वालेकुम दोस्तों, इस 14 अगस्त के मौके पर मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ इंडिविजुअली एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि इस पाकिस्तान 14 अगस्त का मतलब एक्चुअल क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 14 अगस्त को हम समेत हर नौजवान ने सिर्फ एक फन का जरिया अपनाया हुआ है। क्या इस 14 अगस्त को गाने सुनने हैं और रोडों पे घूमना है, साइलेंसर निकाल के बाइकों के शोर मचाना है और बस, और फिर 14 अगस्त खत्म। लेकिन इस 14 अगस्त में मैं अपने तौर पर मैंने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने इस मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मुल्क बनाने का मकसद क्या था, हमारे बुजुर्गों ने कितनी जद्दोजहद की थी, क्या कुछ नहीं किया था इस मुल्क को बनाने के लिए। आज हमने इस मुल्क को किस दौरान पर लाके खड़ा कर दिया है कि हर शहरी, इस पाकिस्तान मुल्क का हर शहरी कौमों में बटा हुआ है। और यहूदी लॉबी यही चाहती है कि हम लोग, इन्होंने यहूदियों ने इसी लॉबी के तहत पता नहीं कितने मुल्क बर्बाद कर दिए, इसराइल हो गया, इराक हो गया, उन्होंने यही लॉबी अपनाई थी, वहाँ पे भी कौमों में बांट दिया था, लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपना मुल्क बनाने का मकसद खो दिया था। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी, हम अभी बिल्कुल भटके नहीं है, अभी हम वो चाह रहे हैं हमें भटकाना, लेकिन हम भटकेंगे नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम उनको बताएंगे। अभी आपको हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क का बनाने का मकसद सिर्फ एक रखा और कुछ नहीं रखा था कि पंजाबी के लिए नहीं बनाया, किसी सराइकी के लिए नहीं बनाया, किसी सिंधी के लिए नहीं बनाया, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क बनाने का मकसद सिर्फ एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हमारा भाई। और इस मुल्क में हमें आज़ाद पत्नी, आज़ाद वतन होने का हमारा मकसद ये था कि हम इस मुल्क में आज़ाद होके अपने अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और इस मुल्क में इस्लाम फैला सकें, इस्लाम को तरजीह दे सकें। लेकिन हमने इस मुल्क को बनाने का मकसद जो रखा था, लेकिन हम उसको अब भूल चुके हैं। हमने अंग्रेजी, जो अंग्रेज करते हैं, छोटे कपड़े पहनना, एंजॉय करना, लड़कियों को छेड़ना, हम वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हम लोगों को इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो हमें एक चीज को अपनानी चाहिए, जो मैंने आज सीखी है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क में अगर कुछ बनाना है, इस मुल्क को कामयाब करना है, तो हमें एक चीज अपनानी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये देखना चाहिए कि वो पंजाबी है, ना कि ये देखना चाहिए कि सिंधी है। हमें अगर इस मुल्क को तरक्की की राह पे पहुंचाना है तो हमें इस बात को कायम ईमान के साथ, इस बात को मुतहद होकर सबको समझानी है और उस पर खुद भी ईमान लाना है कि हर कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। और फिर ही हम इस मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। एक इंसान इस मुल्क को तब्दील नहीं कर सकता। इमरान खान नारे लगाता है कि मैं इस मुल्क को तब्दील कर दूंगा, उनके अंदर तब्दीली लाऊंगा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसका साथ नहीं दें। आप, हम कैसे साथ देंगे जब हम खुद एक होंगे? हम एक कैसे होंगे जब हमारे दिमाग से, जो यहूदियों ने हमारे दिमाग में इतनी सी छोटी सी सोच डाल दी है कि जो पंजाबी है वो मेरा भाई है, जो सिंधी है वो मेरा भाई है, नहीं, हमारे अल्लाह, जो हम जिसके ऊपर ईमान लाए, हमारे नबी, जिसने हमें ज़िंदगी का मकसद सिखाया, जिसने इस दुनिया में कैसे रहना, उसके तरीके अपनाने, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हमारा भाई है, हमें इस चीज़ के ऊपर ईमान लाना है। इस चीज़ पर ईमान लेकर आएंगे तभी इस मुल्क को हम तब्दील कर सकते हैं और इस मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा, एज अ पाकिस्तानी मैंने मैसेज आगे पहुँचाया, और आप भी एज अ पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे और उस मैसेज को आगे पहुँचाएंगे। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली का फ़ायदा है, इस मैसेज को आगे पहुँचाने में आपका फ़ायदा, हमारे इस मुल्क का फ़ायदा, और इस मुल्क का फ़ायदा जो पहुँचेगा वो बाकी में होगा, वो बाकी इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। थैंक यू।